नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैनकोर डीसीएस T10 बुल्गेरिया में होने वाले पहले लीग मुकाबले की, जो कि खेला जाने वाला है इंडो बुल्गेरियन एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया के बीच में। तो काफ़ी मज़ेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है, पहला मुकाबला है दोस्तों। तो आइए हम बात करेंगे इस मुकाबले में होने वाले पहले मुकाबले की, और दोनों ही टीमों के प्लेयर्स पर नज़र डालेंगे, उनकी प्रोफाइल पर नज़र डालेंगे, और फाइनली हम चुनेंगे अपने टॉप 11 फैंटसी पिक्स, जो आपको ड्रीम 11 में या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी विनिंग करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। और साथ ही मैं हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रेडिक्शन, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलिएगा। हेड टू हेड की लगभग सभी पॉसिबल टीम्स, मतलब अच्छी टीम्स, ये नहीं कहता हर मैच में आपको जीत देगी, बट अच्छी टीम जो आपको एक अच्छी विनिंग करा सकती हैं, वो हेड टू हेड की फाइनल लाइन टीम आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ओके फ्रेंड, मैच शुरू होने से 5-10 मिनट पहले आपको मिल जाएगी कन्फर्म। ओके, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लिंक के थ्रू। अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं होता, डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पर वीके प्रेडिक्शन और जाके ज्वाइन हो जाइए। तो आइए अब जल्दी जल्दी बात करें अगर इस मैच की, तो दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की प्रोफाइल पे एक बार नज़र डालते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए पहले इंडो बुल्गेरियन की स्क्वाड की। तो स्क्वाड में बात करें जाए तो प्रकाश मिश्रा टीम के कैप्टन हैं, जिन्होंने पिछले सीजन 10 मैच खेले थे, 84 रन किए, 9 विकेट, ये पिछले सीजन का रिकॉर्ड है। हिस्टोरियस लैकवा की बात की जाए तो 10 मैच 316 रन किए थे, 2 विकेट भी लिए थे, तो बहुत दोनों खतरनाक प्लेयर हैं। सौखत खान 10 मैच 18 रन मात्र, एंड दीप सिंह 10 मैचों में 75 रन 7 विकेट, सिद कुलकर्णी 10 मैचों में 34 रन 1 विकेट, रोहित सिंह 10 मैच 6 रन 3 विकेट। 6 रन इसलिए हैं, ये लास्ट मैच का रिकॉर्ड है, पूरे मैचों का रिकॉर्ड नहीं है। भटकर तिहारी की बात की जाए 10 मैच खेले थे, 531 रन 9 विकेट लिए थे। बाकी और भी प्लेयर्स हैं जो इस बार परफॉर्म करेंगे, दीपक चौहान, दुष्यंत शर्मा, निर्दोष शर्मा, रोहित धवन, सहल जहलत मलंग, उहदुल्लाह सनवारी, विगेश विश्वनाथ, ये कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बस जिनका है उसका मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ। अजयू अहमद लाल की बात की जाए तो यहाँ पे 10 मैच खेले थे, 56 रन लिए बनाए थे और 6 विकेट लिए थे। लवेश शर्मा एंड सुरेश नेगी, ये थी टीम के स्क्वाड की बात। अब इसी टीम के प्लेइंग 11 जो क्या रह सकती है पॉसिबल वो भी बता देता हूँ। तो हिस्ट्रो लैकबो, भटकर टिहरी, प्रकाश मिश्रा, सिद्धांत कुलकर्णी, शफकत खान, दीप सिंह, अज्ञागुल अहमद, दीपक चौहान, दुष्यंत शर्मा, रोहित सिंह एंड रोहित धीमान, मुझे लगता है ये पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम रहेगी। बाकी क्या चेंजेस होंगे वो आपको फाइनल लाइनअप अपडेट जो है फाइनल अपडेट में ही पता चलेगा। बॉलिंग ऑर्डर की बात कर लीजिए अगर इसी टीम के इंडो बुल्गेरियन के, तो ओपन कर सकते हैं हिस्टेरियो लैकबो एंड रोहित सिंह एक एक ओवर के साथ अपने, या दो दो भी फेंक सकते हैं। मिडिल ओवर में देखिए दीप सिंह और सिद कुलकर्णी आ जाएंगे, डेथ ओवर में विख्तियार तिहरी एंड प्रकाश मिश्रा, एंड स्पिन अटैक में विख्तियार तिहरी ही हैं इनके पास। एक इनके की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं एक बार, की प्लेयर्स में देखें तो विख्तियार तिहरी जो कि बॉलर है स्पिनर ये आ जाएंगे। हिस्ट्रो लेकोबो बेहतरीन बैट्समैन है, ताबड़तोड़ रन करते हैं, प्रकाश मिश्रा कैप्टन है और ताबड़तोड़ रन करने में सक्षम है दोनों। दीप सिंह एंड अकमल अहमद ये 5 खिलाड़ी हैं जो की प्लेयर्स की लिस्ट में आते हैं। चलिए बात करते हैं अब कि टीम जो एकेडमी है सोफिया उसकी बात कर लेते हैं, मतलब कि हमारे से जो दूसरी टीम है मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया की बात की जाए तो देखिए ब्रेडली कैंस्टाइन 10 मैच खेले थे, 1 मैच का रिकॉर्ड है, 2 रन बनाए थे उसमें और लास्ट मैच में बिल्कुल, और 2 विकेट भी ले चुके हैं, तो अच्छा बैट्समैन है, ऐसे नहीं कि 2 ही रन किए हैं 10 मैच में। निखिल ओबराया 10 मैच 204 रन, एवन जैकब 10 मैचों में 1 रन 9 विकेट, मतलब इनका भी लास्ट मैच का ही रिकॉर्ड है, मैंने 9 विकेट लिए 1 रन बनाए लास्ट मैच में, वो अलाउ हो जाता है। डेलरिक बैनिंग 10 मैच 2 रन 4 विकेट, ईशान दे सिल्वा 10 मैच 234 रन, के डी सूजा 10 मैच 198 रन, हुजैफा यूसुफ 9 मैचों में 294 रन 4 विकेट। उमर रसूल की बात की जाए तो 8 मैच खेले 137 रन किए, असीब निकोलस निक्सन 4 मैचों में 126 रन, फिर घटसारा सिख्यूगा, एहसान रजा, अली रसूल, फिराज हुसैन, मोहम्मद तैयूब, नबील हुसैन, हसन असर, ये कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास।
केविन जोर्ज की बात कीजिए, 5 मैचों में 9 रन 2 विकेट एंड विपिन गत्तरपुर 10 मैच 114 रन 5 विकेट। चलिए इसके जो टॉप प्लेइंग 11 रहेगी, पावर 12 प्लेइंग 11 वो भी मैं बात कर लेता हूँ। उमर रसूल, ईशान डी सिल्वा, निखिल ओबरीला, विपिन गत्तरपुर, केविन डिसूजा, अलविन जैकब, अश्विल निकुसान, हुजैफ यूसुफ, डैलरिक वीनू, अली रसूल एंड मोहम्मद तैयूब। चलिए अगर इसके बॉलिंग ऑर्डर की बात कर ली जाए तो देखिए ओपनिंग करेंगे हुजैफ यूसुफ एंड डैलरिक वीनू, मिडिल ओवर संभालेंगे उमर रसूल, विपिन गत्तरपुर एंड अश्विल निकुसान, डेथ बॉलिंग में केविन डिसूजा एंड एलवन जैकब आ जाएंगे, स्पिन में फिराज हुसैन एंड उमर रसूल हैं। की प्लेयर्स की बात की जाए, अगर सोफिया के की प्लेयर्स की बात की जाए तो लिसन ईशान डी सिल्वा, अली वा जैकब, केविन डिसूजा, निखिल ओबरीला, विपिन गत्तरपुर, डैलरिक वीनू एंड हुजैफ यूसुफ नज़र आ जाएंगे। तो चलिए इसी के बिहार पर अगर हम टीम का चयन करें तो देखिए यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा जहाँ विकेट कीपर ओ रसूल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एंड बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो देखिए एच लेकबो एन ऑलरी भी है, दोनों रिकॉर्ड मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। एच लेकबो 10 मैच 316 रन और ऑलरीविया की बात की जाए तो 10 मैच 204 रन, तो दोनों के ही दोनों प्लेयर्स बहुत ख़तरनाक हैं, दोनों ही तेज़ खेलने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों को लूँगा। यहाँ पे जी सिंह हैं, विगट्टरपुर हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बैट्समैन मिल जाएंगे। जी सिंह की बात की जाए तो जी सिंह की बात की जाए अगर यहाँ पे तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो मैं जी सिंह के साथ अभी नहीं जाऊँगा, गट्टरपुर के साथ जब जा सकते हैं, गट्टरपुर एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, 10 मैच में 114 रन प्लस 5 विकेट। तो विपिन गट्टरपुर को मैं यहाँ पर टीम में रख रहा हूँ, क्रिकेट साथ थोड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाएंगे पी तिहरी, एफ हुसैन, एम तैयूब, ए अहमद लाल अच्छी ऑप्शन है, एफ हुसैन एंड पी तिहरी एंड एम तैयूब, मैं चारों ऑलराउंडर्स को यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। आप बिल्कुल मत छोड़िएगा फर्स्ट मैच में, अगर कोई नहीं खेलता बात अलग, खेलते हैं तो चारों को पिक कीजिए। स्कोर कार्ड देख लीजिएगा दोबारा रिकॉर्डिंग पैक करके। एंड यहाँ पे देखिए बॉलिंग में है जैकब, पी कॉन्स्टाइन एंड एल शर्मा, तीनों ही बेहतरीन पिक्स रहेंगी। सो कप्तान वाइस कप्तान की देखिए बात कर लीजिए अगर यहाँ पे, तो या कैप्टन में तो बनाऊंगा आप टीम में ए अहमद लाल, वाइस कप्तान में यहाँ पे देना चाहूँगा एच लकबो को जो काफ़ी तेज़ खेल तर्रार खेलने में सक्षम है। बी तहरी को भी एक दे सकते हैं बट मुझे लगता है ये दोनों बेटर रहेंगे इस मैच में। ओके सो फाइनली इसे सेव कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली टीम हमारी रेडी हो चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओ रसूल एन ओलिवेरा, विगतपुर, वाइस कप्तान मैंने एच लेकबो को दिया है, चार ऑलराउंडर्स हैं, वी तहरी, अहमद लाल मैंने कैप्टन बनाए हैं, एम तैयूब, एफ हुसैन, तीन बॉलर्स के साथ जाएंगे, ए जेकब, बी कंस्टाइन एंड एल शर्मा। सो फाइनली टीम रेडी हो चुकी है दोस्तों, इसे सेव करके रख लीजिए, अभी तो ये डेमो टीम है। फाइनल लाइनअप की जो भी टीम आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वी के प्रेडिक्शन में मिल जाएगी हेड टू हेड की। ओके फ्रेंड्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे वी के प्रेडिक्शन, जाके ज्वाइन हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट आने वाले प्रत्येक मैच की आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।